नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। लोमड़ी से भी तेज दिमाग वाली माया को अगर कोई पट्टा पहना सकता था तो वो थी ये क्राइम स्पेशलिस्ट अंबिका सिंह। इंस्पेक्टर अंबिका सिंह, वैसे मैं बीड़ी पीती नहीं हूं पर अंदर युग के चौथे में बैठ के मन तिल मिला गया। जब भी चित उदास होता है पी लेते हैं। चित तो जी मेरा भी रोज खराब होता है। दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत दुख है। मेरा भी बड़ा मन करता है समाज सेवा करूं, बुजुर्गों के लिए कुछ करूं, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूं। मैं साधना जी की गाने की टीचर हूं। अच्छा अच्छा चांद से टुकड़े पे ये सफेद बाल दाग सा दिख रहा था। वैसे टीचर जी आप ना चित उदास मत करो, मैं युग के कातिला को जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी। वैसे युग के सुसाइड के चिट्ठी के मुताबिक उसका एक तरफा प्यार होने की वजह से उसने आत्महत्या की है। सुसाइड लेटर तो जी फॉल्स है। मर्डर के वक्त एक दूर की पहाड़ी पे टूरिस्ट कपल घूम रहा था। उन्होंने एक बुरखे वाली औरत को एक लड़के को पहाड़ी से धक्का देते हुए देखा है और फिर युग के कपड़ों पे एक औरत का चिपका हुआ बाल भी मिला है। हालांकि युग ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है कि उसे अपनी प्रेमिका से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। उसके करीब जितनी भी महिलाएं थीं, उनसे पूछताछ चल रही है हमारी, जल्दी मिल जाएगी। राधा, ये पिछले कुछ दिनों में आपको युग के बिहेवियर में कुछ अंतर दिखाई दिया हो, कुछ भी अलग लगा? नहीं, मुझे तो नॉर्मल ही लगा। छोटे साहब को पिछले दिनों में कुछ अजीब हरकतें करते देखा, जैसे वो माया भाभी को बड़े साहब के पास कभी चाय नाश्ता ले जाने को बोलते, और एक दिन छोटे साहब, माया भाभी और सिद्धांत भैया कमरा बंद करके कुछ बातें कर रहे थे। मैम, आपने जो युग की मौत का समय बताया, उस वक्त तो मैं और माया उसके घर पे थे। वो क्या है ना मैम, आजकल सेल्फी का जमाना है ना। एक सेकेंड, ये देखिए। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। जी मैडम। बड़े हैंडसम हो आप, फोटोजेनिक है आपका चेहरा। हाँ मैडम, कल रात साहब सिद्धांत भैया को बता रहे थे कि उनके पैसों की चोरी हो गई। मुझे तो लगता है कि हमें सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो सिद्धांत? इससे पैसे वापस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास इतने पैसे कहां से आए? इस चक्कर में मैं जेल जरूर चला जाऊंगा। Oh God, what this happened? Will के अकॉर्डिंग युग का हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। जिंदगी भर की तो कमाई गई, नाउ दिस हाफ हाउस भी उसके नाम हो जाएगा। Not good, very bad. मुझे पुलिस में काम करते करते कई साल हो गए माया जी, किसी को भी एक बार मिलके ही मैं उसकी जन्म कुंडली समझ लेती हूँ। अब जैसे आप हैं, आपका चेहरा, आपकी शख्सियत को देखकर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप युग तो क्या, आप एक चींटी तक नहीं मार सकती। युग का खून तो माया ने किया है, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन युग की बॉडी से जो बाल मिला उसका डीएनए और माया के बाल का डीएनए का मैच होना। लेकिन हम उसे इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास सिद्धांत की स्ट्रॉन्ग एलिवाई है। वो तो है ही, पर जब तक ठोस सबूत नहीं हासिल हो जाता मैं उसके खिलाफ,
उसे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि हमें उस पे शक है। तेज तर्रार औरत है, बच के निकल जाएगी। तो फिर मैम आपने उसे ये क्यों जाहिर होने दिया कि कातिल एक औरत है, इससे वो सतर्क नहीं हो जाएगी? अरे भाई जैसे ये जरूरी है कि उसे ये ना लगे कि हमें उस पे शक है, वैसे ये भी तो जरूरी है कि उसे लगे कि ट्रायल सही चल रहा है, नहीं तो वो जल्दबाजी में कोई ऊंचा नीचा कदम नहीं उठाएगी। लेकिन माया की युग को मारने की वजह क्या थी? 90% मर्डर पैसे या प्यार की वजह से होते हैं, पर इस मर्डर के पीछे वजह दोनों थी। शिंदे जी मैडम, ये माया और सिद्धांत का फोन टैप हो रहा है ना? जी मैडम, उनके घरों के आगे पीछे सिविल ड्रेस में आदमी लगा रखे हैं। गेट पर ही हो ना, अच्छे से निगरानी रखना, ठीक है? और वो मोहन को बोल दो किस पोजीशन पे हो। उधर जा रहा हूँ, उधर ध्यान रखना, चलिए पूरी तरह। माया आओ आओ आओ। माया बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तुम्हारे घर के, पहले खाना खा लेते फिर पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी करते। ओके ओके, मैं खाना गरम करता हूँ। मैं भी आती हूँ मदद करने। जल्दी करो। लेकिन सिद्धांत मरा कैसे? उसके खाने में जहर था। मैंने आप लोगों को बताया ना कि माया बहुत ही तेज तर्रार महिला थी। जैसे मुझे यकीन था कि कातिल वही है, उसे भी यकीन था कि मेरा शक सिर्फ उस पे है। तुम्हें मेरा मासूम चेहरा और शख्सियत देख के यकीन है कि मैं मर्डर नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे समझती हो क्या? लेकिन खाना तो सिद्धांत ने बनाया था, फिर उसमें जहर आए कैसे? सिद्धांत को खिला दी। दाल भी गरम कर दिया मैंने। तुम खाना बनाना भी सीख गए? ये लो। तुम भी लो ना।
I love you, Moksh. I love you so much. ऐसे क्या देख रहे हो? खाओ दाल. लेकिन दाल तो माया ने भी खाई थी. खाई तो थी, पर बस उतनी ही जिससे कि वो बीमार हो जाए, मर ना पाए. तुम तो लो, मैं देता हूं. मैं ले लेती हूं. दिमाग है इस औरत का. इससे उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं रहा होगा कि उसने सिद्धांत को जहर खिला के मारने की कोशिश की होगी. इनफैक्ट कैमरा पर तो अब सबूत है कि वो उसे बचा रही थी. मैं मर जाऊंगा लेकिन मोक्ष का हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा. I love you, मोक्ष. I love you so much. ऐसे ही करना को अरे चुटकी, इस गरीब अनाथ के पास इतने सारे पैसे कहां से आए अचानक? सुनने में आया है इसने कुछ ऐसा घपला किया है कि अपने मालिक की काफी दौलत हड़प ली है. अपने मालिक? मोक्षा से बिया करके ना तुम्हें फूटी कौड़ी ना मिलने वाली, पर जे मारी चुटकी से बिया करोगे ना तो मैं उसे सोने चांदी से लाद के विदा करूंगी. हाँ तो फिर मुझे क्या एतराज होगा? तो मैं ये रिश्ता मंजूर समझू? हाय मारे दामाद जी. ये क्या कर रही थी? ये ठीक नहीं है. नहीं तो मार डालूंगी. जा जा. क्या बात भाई साहब, बड़ी जल्दी बाहर आ गए. जल्दी? तूने तो कहा था ये कुछ नहीं बोलेगी. ये तो मेरी जान ले रही थी. कुछ नहीं सुनना चाहता मैं. 5 लाख रुपए पूरे ब्याज के साथ कल तक मेरे वापस कर, वरना ये घर नीलाम कर दूंगा, समझी? भाई साहब गुस्सा मत करो, माफ कर दो. मुझे बस एक दिन का बखत दो, योर आईडी जरूर मानेगी. हाँ चला हराम खोर. इसके तो पर उतरने ही पड़ेंगे. मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, जे अगर वो भाई साहब से थोड़ा प्यार से हंस बोल के बात कर लेगी तो कहाँ चला जाएगा तेरा? है तेरे ताऊ जी के सर पे कितना कर्जा है वो उतर जाएगा. है पिछले 4 साल से नौकरी करके तुम लोगों के मुंह में मैं पैसे भर रही हूँ, फिर भी तुम लोग इस नीचता पे आ गए. मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी. तुम ही संभालो इसे, मेरे हाथ से तो निकली जा रही है. तो मुझे भी छोड़ देगी? आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी.
बचपन से लेकर जवानी तक प्यार को तरसती मोक्षा माया बन चुकी थी। वो क्या किसी को मारेगी, वो तो खुद ही 10 साल की उम्र में मर गई थी। लेकिन उसने ये जरूर सोच रखा था कि अब और कोई मोक्ष माया नहीं बनेगी। दशा चल रही है, मेरे सारे पहचान वाले भले मानो स्वर्ग से उतर गए, मैं भी मरते मरते बच गई। माया जी आप चिंता ना करें, अरे युग की कातिला बचेगी नहीं, अब तो कुछ वक्त है, जितना फुदक सके फुदक ले। वो औरत मेरी नजरों के सामने है, तो पकड़ क्यों नहीं लेती? अरे ससुरी अभी भी पकड़ के बाहर है, हालांकि इतने करीब है जैसे आप और हम, पकड़ी तो वो जरूर जाएगी। और जिस दिन वो मेरी पकड़ में आ गई उस दिन उसे अंबिका सिंह के हाथों का जोर समझ में आएगा। साली के पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़ेंगे कि खुद ब खुद अपनी पूरी कुंडली उगल देगी। आपके तो पसीना छूट रहा है, कमजोर हो गई हैं, पानी पिएंगी? इंस्पेक्टर साहब, आप एक औरत हैं और मुझे आपकी ताकत पे कोई शक ना है। आप मेरी अपनी हैं इसलिए एक सलाह दे रही हूँ। माना कि वो आपके बहुत करीब है, फिर भी उसे पा लेना इतना आसान मत समझ लेना। भूलो मत वो एक औरत है, और औरत जब जनती है इंसान की 80 हड्डी टूटती है, इतना दर्द सहन करती है, फिर थप्पड़ लात डंडे काऊ से रोकेंगे। अरे अरे संभल के ध्यान से पानी पिया करो, गले की नली में पानी अटकने से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ये बात अलग है, जिसमें किसी से न डरने का हिम्मत हो उसका पानी क्या जहर भी कछु ना बिगाड़ सके। ये क्या किया तूने? करुणा ने छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। युग तो तुझसे प्यार करता था ना? मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं तुझे बताने ही वाली थी, पर परसों उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उसके बड़े भाई के साथ गलत संबंध बना के तिजोरी का नंबर नहीं निकलवाया तो वो मेरी अश्लील वीडियो लीक कर देगा। मुझे नहीं पता था मुझे प्यार करने की ये सजा मिलेगी। और इसका भाई होते हुए भी उस कमीने युग को अरेस्ट भी नहीं करा सका, क्योंकि अगर बाहर खबरें फैली तो मेरी दोनों बहनों से कौन शादी करेगा, और अगर अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो तो मर ही जाएंगे ना। माया ने उसी वक्त कसम खाई कि अब जो भी अन्याय करेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने युग और उसके परिवार के बारे में जानकारी लेनी शुरू की, उसके घर के इर्द गिर्द क्या है पता लगाना शुरू किया। बहन जी माना अपनी मदद के लिए रख ले हो, मने जरूरत ना है। माना पीसा ना चाहे, दो बखत की रोटी दे दो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो देखते हैं। एक दो 3 4 भैया जी आपकी वो काले रंग वाली पैंट नहीं मिल रही है। अरे यार तेरे को लाइफ में कभी कुछ मिलने नहीं वाला है ना। हाँ चल देता हूँ तुझे। हाँ अभी आया। Thank you.
के पड़ोसी द्वारका प्रसाद जी की छोरी से हमारे खास जानने वाले अपने छोरे का रिश्ता करवाना चाहते हैं। करवा दीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं और लड़की भी बहुत अच्छी है। बहुत पैसे वाली पार्टी है, अमेरिका में कोठी है, इकलौता छोरा है और दहेज की भी कोई डिमांड ना है। संस्कारी लोग हैं, सिर्फ ब्राह्मण की छोरी चाहिए अलवर से, क्योंकि वो लोग भी अलवर से थे। बहन जी, मुझे आपका स्वभाव बड़ा सरल लगा। काश आपकी कोई छोरी होती अभी शादी के लिए। मेरी बहन की लड़की है, मिश्रा है, सुशील है और राधा से ज्यादा सुंदर भी है। पर कोई बात नहीं, राधा भी खराब नहीं है। अरे अगर आपकी बहन की बेटी ज्यादा अच्छी है तो बाकी बातें कर लेंगे। हमने कौन सी द्वारका प्रसाद जी की खीर खाई है। और वो दहेज भी बिना मांगे अच्छा दे देंगे। हाँ, द्वारका प्रसाद तो पंडा है, वो खुद ही मांगते फिरता है, वो क्या किसी को कुछ देने वाला है। मालूम है बहन, उसकी बीवी के पेट में ट्यूमर था और उसने कंजूसी के मारे उसका इलाज तक नहीं कराया। वो तो बेचारी दवा के बिना तड़प तड़प के मर गई थी। आखिरी वक्त में तो हमने ऐसा भी सुना कि उसकी दवाइयाँ भी बंद करा दी थी ताकि वो जल्दी से मर जाए। घर में जवान बेटी पड़ी है, पर उसकी शादी की कोई चिंता नहीं है उसे। उसे तो बस अपनी ही दूसरी शादी की चिंता है। मालूम है, सबसे कहते फिरता है मुझे कोई अधेड़ या जवान औरत मिल जाए। युग तक पहुँचने के लिए माया ने द्वारका प्रसाद को ही कड़ी बनाने की सोची। काम हुआ कुछ? मोक्षा, ये रहे घर के तुम्हारे नए डॉक्यूमेंट्स, माया के नाम का पासपोर्ट और घर के नए डिटेल्स। थैंक यू उपदेश। वैसे माया जी, अगर आप चाहें तो इससे भी कम उम्र वाले ब्राह्मण लड़के से हम आपका लग्न करा सकते हैं। नहीं, मुझे दुगनी उम्र वाला चलेगा। वो क्यों? कम से कम हमेशा मेरे आगे पीछे तो घूमेगा। ठीक है माया जी, जैसी आपकी इच्छा। मेरी एक बिनती है आपसे, अगर शादी के कुछ दिन बाद हम सब कुछ दिनों के लिए खैरताल में रहे। दरअसल वहां मेरा एक घर है, उसे बेच के लाली के ब्याह के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं। अरे हाँ। वहां मेरे जजमान भी हैं। यादव, जाके मलाई वाली बर्फी ले आ। जी मालिक। हाँ। अभी लाता हूँ। हाल ही में नौकर रखो है। मुन्ना जी, लीजिए चाय पीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। शुगर तो नहीं है ना? अरे नहीं। हाँ तो बिस्किट भी खा लो। बहुत बढ़िया। आज इतने सालों बाद मेरी कैसे याद आ गई। खैर, तुम्हें तो मालूम होगा कि मैंने छुटकी को छोड़ दिया है। हाँ, एक पैसे वाली औरत के लिए। मतलब? खैर, एक महीने में करोड़ों कमाने हैं। जब युग ने सिद्धांत के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो सिद्धांत ने उसके सिग्नेचर का ट्रेस ले लिया जो उसने यूज किया युग के सुइसाइड लेटर। बेचारा युग। माया का अनुमान सही था कि युग उसके साथ छल करेगा, इसीलिए उपदेश यानी यादव को उसने युग पर नजर रखने को कहा था, जो अपने भाई की दौलत छुपा रहा था। हमने सुना है तुम जा रहे हो। हाँ वो। बोलो। देखो, अपना ध्यान रखना। लेकिन हम कैसे रहेंगे? ओफो, अरे मैं आ जाऊंगा ना जल्दी। सुनिए, माया घर पे है। हो सकता है पुलिस को मुझ पे शक हो जाए, इसलिए आज से 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी, प्रॉपर्टी के पेपर्स के बहाने। ठीक है। Thank you.
हेलो हीरो बनता है माया जी, वो यादव की तो कम से कम एक महीने की लगी। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो शुक्र है जी आप बच गईं। हो सकता है वो आपके साथ में भी बदतमीजी कर बैठता। पड़ोस की नौकरानी के साथ बदतमीजी की है उसने? ये झूठ है जी। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? नौकरी तो है, अब कितना करीब से जानती होंगी आप उसे? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ऐसा कर सकता है, मुझे कभी लगा नहीं। वो तो जी, लड़की ने उसके खिलाफ गवाही दी है, अब हमें तो मानना पड़ता है जी। और जी वो माया जी, मैं आपको यूके केस के बारे में कुछ बताऊं? वो जी मैंने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की, पर वो साली औरत कुछ उगली ही नहीं। पर वो भाग ली। उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या इतना नहीं समझूंगी वो ये सब काम अकेली नहीं कर रही है, उसका कोई ना कोई तो साथी होगा। और जी मैं तो उसके साथी को झूठे चार्ज में पकड़ लाई हूँ। और अब अगर मैंने उससे सब कुछ नहीं उगलवा लिया ना, तो मेरा नाम अंबिका सिंह नहीं। और बहन जी, अब तो ऐसा है कि अब तो मैं कातिल के करीब ही नहीं, मैं तो उसके सर पे बैठी हूं। एक बार उसने आंख झपकी नहीं और मैंने उसकी गर्दन पकड़ी नहीं। जुल्मों को सहती हुई पत्थर बन चुकी माया सचमुच मोक्ष दिलाने के रास्ते पर निकल चुकी थी, और दे डाली उसने अपने पति को ही उसकी दरिंदगी की सजा। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से ही वॉज हैवीली डायबेटिक, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट पेशेंट। बुड्ढे, कई दिनों से तुझे डबल डोज मिल रहा है और इस बात का तुझे पता भी नहीं है। इट इज नेचुरल डेथ ड्यू टू हाइपरटेंशन विद डायबेटिक अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। माया जी, उस औरत का साथी उसी की मिट्टी का बना निकला। इतना मारा फिर भी बोल के नहीं दिया, और लगता है बोलेगा भी नहीं। बड़ास दे से देयर आर नो परफेक्ट मर्डर्स। पर तुम्हारे हुस्न से ज्यादा मेरा डंडा भारी पड़ा है। तुम्हारे और युग के नाजायज संबंधों के बारे में सब कुछ बता दिया इसने, और अगर तुमने कहा कि ये झूठ बोल रहा है तो मेरे पास सबूत और भी हैं। एंड ऑन स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ मर्डर मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ। तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप से? 10 साल की उम्र में अपने आप से इतनी घिन हो गई कि अब ऐसा से नहीं होता। घिन क्या होती है?
सिगरेट पियोगी? मिलेगी तो पियूंगी, बहुत दिन से पी नहीं है। तुमने अपनी जुबानी जो अपनी कहानी कही, अगर वो वाकई में सच है तो मैं मानती हूँ कि तुमने बड़े दुख देखे हैं। बट क्राइम इज क्राइम और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। तो हम कहाँ आपसे सहानुभूति या सजा माफ कर दूँ कह रहे हैं। आप हमारे पीछे पड़ी, हमारी स्टोरी जानने के लिए तो मैंने आपका मान रखा, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी तरह बेबाक जिद्दी और शातिर हैं। अलवर की औरतें चूल्हे पे रोटियां बड़ी अच्छी सेकती हैं। तुम्हें बनानी आती हैं? माया पागल तो नहीं थी? पागल तो थी, अब हम और आप जैसे नॉर्मल लोग तो सिर्फ अपने दर्द के एहसास में रहते हैं। उसे तो परायों का दर्द भी ले डूबा। और उस दिन उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे समझ में आया कि उसने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या क्यों कर ली। बस इसी तरह मोक्षा हालात और समाज से घायल होते होते माया बन गई। बस यही है इस पीड़िता की लाइफ स्टोरी। बाकी सब चेक कर लिया। चाबी ले ली मैंने। सो फाइनली माया की माया खत्म हुई। मोहिनी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये 7 दिन तुम्हारे साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड। यप आई डिड। ये लीजिए। चले। माया की कहानी भी बहुत दुख भरी थी। वो आग मरने के लिए नहीं, जीने के लिए लगाई गई थी। ये रख ले पैसे। आगे कभी लाश की ज़रूरत हो तो बंदे को याद करना। हाँ ठीक है, चल भाग। चलो। पीछे पड़े बैग में 50% शेयर तुम्हारा है। सरकार के पास पहुंच के ये पैसे किनके जेबों में जाने वाले हैं तुम भी जानती हो। इस बेटे तुम्हारे जो सपने हैं बच्चों और बूढ़ों को लेके उन्हें पूरा करो। और बाकी के 50% का क्या करोगी? अच्छी जिंदगी जीऊंगी। मैंने कब कहा कि मैं कोई देवी हूं? इंसानी बन जाओ यही बहुत है।
मुझे पता है ये कानूनन गलत था, लेकिन क्या हम सब कितना कुछ गलत नहीं करते हैं? कम से कम ये गलत उन बेचारों के लिए सही होगा जिन्हें कानूनी न्याय नहीं मिल सकता। मोहिनी, तुम्हें घर चाहिए था ना, तुम्हारा अपना घर। आज मैं तुम्हें तुम्हारा घर देने जा रहा हूं, एक बड़ा घर। ये इंडस्ट्रियल टाइकून वरदान है ना? हाँ कमीना साला, देखना एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। इसकी स्कीम से लाखों लोग बर्बाद हुए हैं और काफी ने तो आत्महत्याएं भी की हैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। चलो, आखिर तुम वरदान की बीवी हो मोहिनी, बैठो। ड्राइवर,